क्या थारा भाई जोगिंदर बिग बॉस के अंदर जाने वाले हैं? क्योंकि अभी से ही उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट किया जहां पे वो बिग बॉस के जितने पार्टिसिपेट होने वाले हैं उन सभी को धमकी देते नजर आ रहे हैं। आप स्टोरी देखो पहले। बिग बॉस 16 के अंदर कितना भी बड़ा धुरंधर आ जाए, अरे मेरे को तू करवा देना, मैं बता दूंगा जोगिंदर कौन है। ये गुड्डा गुड़िया का खेल है ना, घर के अंदर खेले जाते हैं बाहर नहीं। जो भी आए सोच समझ के आना बिग बॉस के अंदर, क्योंकि इस बार पाला थारा भाई जोगिंदर से पढ़ने वाला है। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हम किसी को रोकते नहीं, हम धोके दिखाते हैं। इस स्टोरी के बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर भी हम ऐसे ही न्यूज कवर करने वाले हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और ऐसा वीडियो देखना पसंद कर दो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं डक्की भाई के बारे में। तो बेसिकली वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था उसका एक व्लॉग बनाए थे और अपने चैनल पे अपलोड किए थे, बट उस व्लॉग को यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया है। तो इसके पीछे का वो रीजन बताया अपने व्लॉग के अंदर। फ्रेम भी एक फोटो तक मैंने ऐसी इस्तेमाल नहीं की वीडियो के अंदर जो मैंने अपने फोन से रिकॉर्ड नहीं किया। शुरू से घर से हमने हमलो जी करते हुए निकले थे हम लोग, और उसके बाद जो है हम लोगों ने एंड किया था ओका फिर से, ठीक है, और फिर हमारा आउटरो चल जाता है। सारा का सारा कंटेंट, एक एक चीज मेरे अपने फोन से रिकॉर्ड हुई है, एक एक अल्फाज मेरे। अभी जो है घंटा पहले उस पे स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने जो है कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी है और मेरी वीडियो जो है वो उड़ गई है। कुछ देर पहले मैंने ट्वीट की थी तो नीचे मुझे किसी ने कहा था कि स्टार स्पोर्ट्स के खुद के चैनल पे इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने आपके चैनल पे आ रहे हैं, तो उन्होंने जो है हमारी वीडियो ही रुवा दी। बड़ा सैड हुआ हूं मैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप जाके उनके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा क्योंकि फेसबुक पे भी ये अपलोड है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर के बारे में। तो फाइनली उनका एक सेशन आ गया उनके चैनल पे जिसके अंदर एक काफी एनर्जेटिक मोमेंट होता है जिसको देखकर ऑडियंस के अंदर जोश भर जाता है, तो उस मोमेंट को आप देख लो पहले। ऐसे एक बार करके बताएंगे मेरे को, मैं भी करता हूँ आपके साथ। अच्छा ऐसे कुछ तो नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुली व्लॉग के बारे में। तो आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ था, अगर आपको नहीं पता तो इस वाले वीडियो को जाकर देख लेना, आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो इसी केस से रिलेटेड वो बहुत सारे ट्वीट किए हैं जहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ डिटेल में वो बताए हैं कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था। अरसो राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस और अजय लांबा को भी टैग किए थे। इसके लिए उनका यही कहना है कि इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक उनपे कार्रवाई नहीं हुआ है, इसी वजह से वो काफी बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक फाइनल ट्वीट किया है जहाँ पे वो बताया कि इफ माई केस इज नॉट सॉल्व्ड एंड कुलप्रिट आर नॉट बिहाइंड द बार, आई विल बी गो ऑन अ हंगर स्ट्राइक इन जयपुर एट पत्रिका गेट। आई एम सॉरी बट आई हैव नो अदर चॉइस सर, आई एम अ कॉमन सिटीजन हुज राइट आर डिनाइड बाय द स्टेट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू प्रोटेस्ट। होप कि इनका केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए ताकि इनको ये सब ना करना पड़े। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्यारके के बारे में। तो क्यारके को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ 2020 के अंदर कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए थे जिसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट पे जैसे वो लैंड हुए वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया गया और आज बोरीवली कोर्ट में उनको पेश भी करना है। बाकी इसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं वजाहत हसन के बारे में। तो वजाहत हसन ने काफी कमाल का एक प्रैंक कर दिया आदर्श के साथ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा देते हैं जहाँ पे आदर्श पूरे डर जाते हैं। कौन बोल रहा है भाई? अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ भाई, अजनबी हूँ अभी तो तेरे लिए, बात कर ले मेरे से थोड़ी सी, जरा दो चार प्यार भरी बातें कर ले, बड़ी प्यार भरी बातें करता तू। तो भाई आप बोल कौन रहे हो बताओ तो। मैं नहीं बताऊंगा। वो कौन भाई? मैं हरियाणा थाने से बात कर रहा हूँ, जगदीश अलावत नाम है मेरा, थानेदार हूँ, और तेरे नाम की कंप्लेंट आई है। हेलो, यस सर। अमेरिकन ड्रीम मॉल ऑन सेप्टेम्बर 4 विल बी वर्किंग एट द रेस्टोरेंट ऑल डे द फर्स्ट डे एंड इफ यू स्टॉप बाई यू माइट सी मी। तो सच में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ लगने वाला है जिस दिन मिस्टर बिस्ट काम करने वाले हैं। तो होप कि आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।